अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं खारादर। खारादर वो मशहूर इलाका है जो कराची की जो शुरुआती इलाकों में ये इलाका कहलाता है। खारादर की खास बात यह है कि यहाँ पे बड़े बड़े पुराने लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंग है। आज जिस जगह पर मौजूद हैं ये हलवापुरी है, जो इस ये हलवापुरी की खास बात यह है कि ये 24 घंटे जो है दुकान खुली रहती है और 24 घंटे ये हलवापुरी बनाते हैं। वैसे तो हलवापुरी का टाइम जो है सुबह का होता है, लेकिन ये जो खारादर में दुकान है ये 24 घंटे चलाते हैं। लेकिन इनसे आज पूछेंगे कि क्या खास वजह है जिस वजह से ये 24 घंटे हलवापुरी भी चलती है, यहाँ पर मौजूद होती है। अगर रात को 3 बजे पर आओगे तो यहाँ पे खारादर में हलवा पूड़ी आपको मिलेगी, अगर रात को शाम को 4 बजे भी आओगे तब भी आपको हलवा पूड़ी यहाँ पे खारादर की ये जो हलवा पूड़ी मदीना हलवा पूड़ी के नाम से यहाँ पे खारादर में जो बीच में इलाका है वहाँ पे ये हलवा पूड़ी का दुकान है। आज हम यहाँ से पूछते हैं कि हलवा पूड़ी की क्या खास बात है जिस वजह से ये हलवा पूड़ी 24 घंटे खुली रहती है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अयाज कुरैशी साहब जो इस शॉप के मालिक भी हैं, इनके वालिद साहब भी चलाते हैं लेकिन ये भी मौजूद होते हैं। इनसे पूछते हैं सर क्या कहेंगे ये इस हलवा पूड़ी में क्या खास बात है जो 24 घंटे खुली रहती है, लोग यहाँ हलवा पूड़ी सुबह में बेचते हैं और आप जो है पूरी 24 घंटे खोल रहे रखते हैं। हलवा पूड़ी की खास बात ये है कि ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं जो कि डिमांड करते हैं कि रात में भी होनी चाहिए, शाम में भी होनी चाहिए। जो फूड लवर्स होते हैं, फूडीज होते हैं जो, तो उनके बेसिस पर हमने स्टार्ट किया था 24 घंटे का। हलवा पूड़ी में कोई अलग से क्या अलग टेस्ट होता है या वही टेस्ट है जो दूसरी हलवा पूड़ी बनती है? जैसे हमने बड़े बड़े दुकानों में देखा है कि हलवा पूड़ी जो है बड़े वो बनती है, वही स्वाद है या कोई अलग स्वाद है? वो तो जायके का होता है ना, बंदा किस तरह आटा गूंथता है इस तरह, मतलब जायका अलग अलग होता है जगह का। कितने सालों से ये दुकान आप इस तरीके से चला रहे हैं? इस दुकान को 36 ईयर्स हो गए, 36 साल हो गए जी। आपके वालिद साहब ही चलाते? मेरे वालिद साहब के भी वालिद साहब चलाते, मेरे दादाजी चलाते थे, शुरुआत उन्होंने की थी। ये खारादर का इलाका पुराना इलाका है जहाँ पे आपने ये शॉप अगर आप किसी मेन रोड पे ले जाते तो वहाँ चल सकती थी, लेकिन आपने वहीं रखी जहाँ अंदर का इलाका है, इसकी क्या वजह? क्योंकि ये खारादर का जो ये चौक है, पुलिस चौकी, ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी मशहूर और पुराने जगह है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी आते हैं, कस्टमर्स होते हैं, काफ़ी पुराने लोग होते हैं, यहाँ से तारुक करते हैं। लोग डिमांड करते हैं आपके के हलवा पूड़ी जो है वो हमें ज़्यादा दी जाए या और अच्छी बनानी चाहिए, इस तरीके की कोई डिमांड आती है आप? हाँ, काफ़ी डिमांड आती है कि चने में मतलब मिर्ची ज़्यादा रखा करो या मिर्ची कम रखा करो, इससे काफ़ी डिमांड आती है। लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो जब छुट्टियाँ होती हैं तो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी आते हैं यहाँ पर, इन्जॉय करते हैं और खाना खाते हैं। तो ये बताएं कि आपने हलवा पूड़ी का ये दुकान है, ये छोटा अभी तक दुकान बनाया है क्योंकि बड़ा नहीं बनाया ना कोई आपने, अगर इसको बैठने की जगह अच्छा करके बनाते तो लोग ज़्यादा आकर नहीं बैठते यहाँ? बैठने की जगह है, पीछे हैं, लेकिन दुकान जितनी है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, तो इससे अच्छा अगर पीछे फैमिलीज हैं आपके पास तो फैमिली के पीछे बैठने की जगह है, अवेलेबल है, सीट वगैरह टेबल लगे हुए हैं। कौन से दिन में ज़्यादा रश होता है आपके पास? ज़्यादातर सैटरडे एंड संडे होता है क्योंकि वो फैमिलीज की वैकेशन वगैरह होते हैं बच्चों के, इसलिए वीकडेज नहीं होते ना। आपके पास फैमिलीज आती हैं तो उसमें बच्चे भी आते होंगे, तो बच्चे जो है आपको ख्वाहिश भी करते होंगे कि हमें हलवा पूड़ी ज़्यादा दें? हाँ, काफ़ी करते हैं तो हम उनको थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं, चना के रेट होते हैं तो हमें थोड़ी वो कर देते हैं, काफ़ी गुंजाइश कर देते हैं। ये हलवा, इस हलवे को बनाने में कोई अलग से कोई आपका तरीक़ेकार है या वो थोड़ा बताएं? हाँ, अलग से तरीक़ेकार काफ़ी हैं तो हमारा अलग से तरीक़ेकार है। अगर कितने किस्म के हलवे आप बनाते हैं यहाँ पे? एक ही किस्म का हलवा है हमारा, सूजी का हलवा। तो ये चना भी वही जो आप बनाते हैं? जी, चने भी हमारे ही हैं। तो ये स्पाइसी बनाते हैं या बस ऐसे ही बस नॉर्मल? जिस होते हैं ना इतने तीखे होते हैं ना इतने वो होते हैं, नॉर्मल नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल। पास कुछ यूँ हैं कि मेरे दादा का इरादा था दुकान खोलने का, पहले मतलब शुरू में दुकान थी दूध की, यहाँ दूध बेचा करते थे मेरे दादा, तो उनका इतना काम चला नहीं था, तो उसके बाद कुछ यूँ हुआ था कि मेरे दादा के फ्रेंड से एडवाइस दी थी कि हम खाते में फूड शीट काफ़ी चल रही थी उस टाइम, तो उनका ये इरादा था कि यहाँ हलवा पूरी खोलेंगे क्योंकि यहाँ नाश्ते का इतना था नहीं, बर्गर मिलते थे, पिज़्ज़ास मिलते थे, तो यहाँ जब हलवा पूरी खोली कुछ टाइम गुजरा तो ऐसा ऐसा अल्लाह ने मतलब काम में बरकत डालना शुरू करी, तो आज को मेरे दादा से मेरे अब्बा आए थे, अब्बा से अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ जी। उसके बाद चलना शुरू हो गई? उसके बाद माशाल्लाह उस टाइम से चल रही है अब तक, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 7 ब्रांचेज हैं, हमारी वही भी 24 घंटे खुली हुई होती
नहीं वो जगह पे डिपेंड करता है कि जगह पे अगर जैसे फूड स्ट्रीट है अच्छा जहाँ अगर फूड स्ट्रीट है 24 घंटे जहाँ काम चल सकते हैं वहाँ 24 घंटे खुली हुई है। इमरान भाई ये बताइए आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 25-30 साल। 25-30 साल से हलवा पूड़ी बना रहे हैं जी। हलवा पूड़ी में क्या खास बात है जो 24 घंटे हलवा पूड़ी खुली रहती है? ये एक आवाम की ख्वाहिश है। वैसे हलवा पूड़ी बनाने का कोई अलग से तरीका होता है या वही तरीका है जो सब? वही तरीका है, अलग तरह कोई तरीका नहीं है। कितने रोज दिन में जो है वो आप हलवा पूड़ियाँ बना लेते हो, कोई अंदाज़ा है? अभी कितना अंदाज़ा नहीं, अभी कितना अंदाज़ा नहीं फिलहाल, पर चलते रहता है, आए जैसे आएंगे चला देंगे, जैसे आएंगे देते रहेंगे। शिफ्टों में काम होता है या आप अकेले आते हो फिर कोई रात में कोई और आता है? नहीं हमारा काम फिर आठवार और हफ्ता आठवार ज़्यादा होता है, आम दिन में खास नहीं होता। ये हलवा पूड़ी बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त लजीज जायकेदार भी है माशाल्लाह, ये बहुत मशहूर भी है। और यहाँ पर हम लोग आते हैं, मैं ख़ुद भी दफ्तर में काम करता हूँ अलाइड बैंक में, तो हमें अफसर लोग बेचते हैं यहाँ पर पूड़ी लेने के लिए, और बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। हलवा पूड़ी 24 घंटे खुली रहती है ये आपको पता है? अच्छा 6-7 बजे तक तो हम इधर ही होते हैं, उसके बाद हम घर चले जाते हैं, फिर पता नहीं 24 घंटे खुले रहते हैं कि नहीं ये हमें मालूम नहीं है, पर बेहतरीन चीज़ है, ज़बरदस्त है। हलवा पूरी का जायका यहाँ का अच्छा है और हलवा भी मज़ेदार है, पूरी भी माशाल्लाह अच्छी है यहाँ की, और ये है कि इनकी सर्विस भी अच्छी है, और देर रात तक आपको यहाँ पे जो पूरी और हलवा पूरी अवेलेबल है खारादर के अंदर, बाकी दौर कहीं नहीं है, बाकी सामने है घुसिया वाला, ये मदीना वाला, तो इनकी पूरी अच्छी है माशाल्लाह से। यहाँ पे जो मालिक थे उनका ये कहना था कि हम जो हलवा पूड़ी जो खोले रखते हैं ये इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि यहाँ के लोग जो हैं वो हलवा पूड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और यहाँ दिन में भी कहते हैं और शाम में भी कहते हैं कि हलवा पूड़ी चाहिए, तो उस वजह से ये दुकान जो है शाम तक भी खुली रहती है, रात तक भी खुली रहती है, और जो है ये 24 घंटे खोलने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग जो है वो हलवा पूड़ी को जो पसंद करते हैं उनको यहाँ पर अवेलेबल रहे।